सर आपका पर प्लेट कॉस्ट कितना था सर? हम लोग भर देंगे सर इंस्टॉलमेंट्स में सर। और आगे से हम किसी शादी में नहीं घुसेंगे सर। हाँ सर मैं तो अपनी शादी में भी नहीं घुसूंगा। इनफैक्ट सर मैं शादी नहीं करूंगा और ये भी नहीं करेगा सर। हाँ सर मैं भी नहीं करूंगा सर। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस दुनिया में दो इडियट्स कम पैदा होते। Pay attention. ये है रणछोड़दास के फादर की मंथली इनकम 2.5 करोड़ रुपए। अब इसमें से एक या दो जीरो निकाल दो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक और जीरो कम हो जाए लिटिल। ये तुम्हारे फादर की मंथली इनकम है मिस्टर फरहान। और अब एक और जीरो कम कर दो तो ये तुम्हारी फैमिली इनकम है मिस्टर राजू रस्तोगी। बिग रीजन टू वरी। वीरू सहस्र बुद्धे की बात मानो और अपना कमरा चेंज करो। चतुर रामलिंगम के साथ शिफ्ट हो जाओ। एग्जाम्स आ रहे, उस छाछड़ के साथ रहोगे तो कभी पास नहीं होगे। शेव करा दिए Then get lost. राजू तू समझा कर, वायरस हमारे साथ गेम खेल रहा है डिवाइड एंड रूल। अरे तो डर मत यार। डरना पड़ता है, मुझे अच्छी नौकरी के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए और ग्रेड्स उसके हाथ में। तेरे जैसा रईस बात नहीं है मेरा जिसके खर्चे में पूरी जिंदगी निकाल लूंगा। ए राजू तू क्या बकवास कर रहा है यार। ये जो बोलेगा हम वही करेंगे क्या? ऑल इज वेल। तू होगा चमचा इसका, मैं नहीं। ए अब तो लाइन क्रॉस कर रहा है। नहीं मैं बीच में लाइन बना रहा हूं क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है। माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में जाती है। कमों की शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। पिछले 5 सालों में माने एक साड़ी तक नहीं खरीदी। यार अब तो आर्गुमेंट में माँ की साड़ी घुसेड़ेगा तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? यार वैसे एक साल में कितनी साड़ियाँ रीजनेबल होती? माँ को लेके मजाक नहीं है। अरे राजू हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। मरो तुम लोग। अरे 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 राजू यार टेंशन मत ले यार, हम लोग टॉप करेंगे ना यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ले अब डाल दे इसको वापस अंदर। राजू ने ट्रेन का डिब्बा बदल दिया। अब वो चतुर के साथ सफर करने निकल पड़ा। हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर। SUFFER। चतुर को सब साइलेंसर बुलाते थे। माइंड को शार्प करने के लिए कोई बंगाली बाबा का चूरन खाता था, फिर साइलेंटली गर्म हवाएं छोड़ता था। I didn't do it, Raju. और इल्जाम हमेशा दूसरों पे ठोकता था। साइलेंसर दिन में 18 घंटे रट्टा मारता था और एग्जाम्स की रात दूसरों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता था। उसका मानना था कि एग्जाम स्टॉप करने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद मार्क्स अच्छे ले आओ या दूसरों के कम कराओ। रैंचो ने साइलेंसर को सबक सिखाने का और राजू को बचाने का कंबाइंड प्लान बनाया।